नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ UMT EMMC टूल के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही में एक UMT ने नया अपडेट लॉन्च किया है, जिसमें आप ISP पिन आउट के जरिए मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए आपके पास एक डोंगल होना ज़रूरी है UMT का। उसके बाद दोस्तों, आपको एक लेना है कार रीडर, सिंपल दोस्तों, जिसमें SD कार्ड लगती है वो वाला कार रीडर। दोस्तों, इसमें इसके ज़रिए आपको UMT में कनेक्ट करना होता है और इसके ज़रिए मोबाइल को अनलॉक करना होता है। दोस्तों, आप किसी भी ऑनलाइन होने वाले मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों, इस कार रीडर के ज़रिए। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपके पास डोंगल होना ज़रूरी है। दोस्तों, जिनके पास अगर डोंगल है तो वे कार रीडर खरीद लीजिए, तो आपका आपके काम आएगा। दोस्तों, इसको दोस्तों यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे दोस्तों, इसको पहले इसको हमें खोलना है। तो दोस्तों, हमने पूरा इसको खोल दिए। अभी दोस्तों, यहाँ से आपको जंपर निकालना है। दोस्तों, यहाँ पे जो 10 पॉइंट दिया है दोस्तों, यहाँ से जंपर निकालना है दोस्तों। और वो जंपर दोस्तों आपके ISP पिन आउट जो होते हैं दोस्तों, जिसमें VCC, CMD, CLK और डाटा जीरो, इसके ऊपर जो दोस्तों जोड़ना है दोस्तों जंपर। दोस्तों, मैंने इसका इमेज बना के रखा है दोस्तों, आपको अपने याद रखने के लिए यहाँ पर आप लिख कर रख भी सकते हैं। दोस्तों, ये दोस्तों आईबाल का रीडर है। दोस्तों, ये दोस्तों क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी दोस्तों, तो स्पीड अच्छा पकड़ेगा दोस्तों, काम अच्छा होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें ये डोंगल कनेक्ट करना पड़ेगा, और जिनके पास डोंगल नहीं है वो UMT EMC टूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे भी कनेक्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर। उसके बाद दोस्तों, हम अभी चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले से सेटअप दोनों डाउनलोड करके रख चुका हूँ और एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। उसके बाद हमें इसे ओपन कर देना है। कार्ड अपडेट EMMC के ऊपर जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपडेट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपका कार्ड अपडेट हो जाएगा। मैंने पहले से अपडेट करके रख चुका हूँ, इसलिए मेरा कार्ड अपडेट नहीं होगा। आपको EMD डोंगल कनेक्ट करके रखना है, तभी ये EMD डोंगल अपडेट करता है। उसके बाद अपडेट EMC एक्टिवेशन आपको चेक करना है। मैंने एक्टिवेशन भी ले चुका हूँ दोस्तों। एक्टिवेशन का प्राइस है 1100 से 1200 रुपये तक के प्राइस है। अगर आपके पास UMT डोंगल है तो आपको सिर्फ 1100 रुपये का एक्टिवेशन खरीदना है। अगर आपके पास UMT डोंगल नहीं है तो आपको डोंगल भी लेना होगा और एक्टिवेशन भी लेना होगा। तो ये तो हो गया दोस्तों, मैंने आपको ये चेक करके दिखा दिया है। उसके बाद हमें ये मैंने इंस्टॉल करके रख दिया है दोस्तों पहले से ही। ये हमारा सेटअप है, तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख दिया है। इसे हम अभी ओपन करेंगे। तो हमारा टूल दोस्तों ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ISP पिन आउट के इमेज भी दे रखा है दोस्तों, बहुत सारे इमेज है, सभी लगभग बहुत सारे मॉडल के। तो मैं दोस्तों आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मान लो दोस्तों, मैं ओप्पो का A3S का इमेज एक ओपन करके रख रहा हूँ। ये देखिए,
A3 इसके ISP पिन आउट। और दोस्तों इस साइड में जो मैंने इमेज ओपन करके रखा है दोस्तों, ये इमेज है इस कॉरिडोर की, जिसके मैंने दोस्तों ये पिन आउट निकाल के रखा है डायग्राम के साथ। यहाँ पे जैसे D0 लिखा हुआ है, ये डाटा जीरो है, यहाँ पर भी एक डाटा जीरो है, ये डाटा जीरो इस डाटा जीरो से जोड़ देना है। उसके बाद GND बोले तो ग्राउंड, ग्राउंड को आपको यहाँ से कोई भी ग्राउंड यहाँ पे दे देना है, बोर्ड का ग्राउंड। उसके बाद CLK, यहाँ पर भी CLK है। उसके बाद VCC, यहाँ पर भी VCC है। उसके बाद CMD, यहाँ पर भी CMD। तो दोस्तों ये सभी जंपर आपको इसी तरह से जोड़ना है। और ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये आपको कंप्यूटर वर्कशॉप में मिल जाता है 300 से 400 रुपए के रेंज तक के, अच्छी क्वालिटी का अगर लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। मार्केट के दो 20-30 रुपए में 40 रुपए में जो मिलते वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करते और ख़राब हो जाते हैं। तो आपको यहाँ से जंपर लगाना है ठीक इसी तरह जो इमेज में मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ ऐसे ISP पिन आउट के ऊपर आपको जंपर लगा देना है। आपके कोई भी मोबाइल हो, जहाँ पर आपके अगर आपके पास जो भी मोबाइल है उसका ISP पिन आउट का इमेज अगर आपके पास है तो आप जंपर लगा दीजिए और आप अपने मोबाइल को अनलॉक कर लीजिए। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस स्कैन का ऑप्शन है दोस्तों, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। स्कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो कॉरिडोर है ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने कोई मोबाइल कनेक्ट करके रखा नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई चीज़ है। तो मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, मेमोरी कार्ड लगा के आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये मेमोरी कार्ड एक कनेक्ट कर दिया है। अब चेक करते स्कैन के ऊपर क्लिक करके, आप देख सकते हैं मेरा 4GB का कार्ड था और यहाँ पे 3.7GB शो कर रहा है, यानी दोस्तों ये कनेक्ट हो चुका है। ये डिवाइस का मॉडल नंबर है दोस्तों, अगर आप डिवाइस मैनेजर में जाके अगर चेक भी कर लेते हैं तो यही नेम से दिखाएगा। आप अगर कोई भी मॉडल अगर जैसे कनेक्ट करेंगे कार्ड रीडर, उसका नाम यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद अगर आप कनेक्ट करते हैं, अगर आप मोबाइल कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से कनेक्ट होगा। और रीडिंग पार्टीशन टेबल यहाँ पे अनसपोर्टेड पार्टीशन टेबल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेमोरी कार्ड है, SD कार्ड है, ये मोबाइल नहीं है। अगर मोबाइल रहता तो ये भी रीड कर लेता दोस्तों, और रीड किया हुआ यहाँ दिखाता दोस्तों हमें। और सर्विस में दोस्तों यहाँ पे फॉर्मेट यूज़र डाटा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेफ फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्मेट है, रिसेट ओनली लॉक्स वीवो और रिसेट FRP भी है। इस टूल के जरिए दोस्तों आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं देना होगा दोस्तों, एकदम फ्री है दोस्तों। अगर आपने एक बार एक्टिवेशन खरीद लिए, डोंगल खरीद लिए तो झंझट ख़त्म दोस्तों। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा रेट होते हैं, ऑफलाइन आप कर सकते हैं ISP पिन आउट के जरिए, इस EMT टूल EMC के जरिए। बहुत ही बढ़िया टूल है दोस्तों ये, अगर आपके पास ऐसा काम अगर आता है, आपके पास मोबाइल आते हैं तो आप बिल्कुल बिंदास खरीदिए दोस्तों इसे। मैंने तो ले चुका हूँ दोस्तों, मेरे पास ऑलरेडी पहले से EMT था, मैंने एक्टिवेशन खरीद लिया दोस्तों। ये एक्टिवेशन अगर आपको खरीदना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों यस इसरानी, उनके पास से मैंने दोस्तों ये एक्टिवेशन खरीदा है दोस्तों। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको नंबर नीचे मिल जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों आगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।